हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं अगर आप अपना मकान बना रहे हैं तो उसमें सेप्टिक टैंक से बोरवेल तक की दूरी कितनी होना चाहिए। यहाँ पर हम जब भी मकान बनाते हैं हमारी प्लानिंग हो जाती है, हम बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि इसकी मिनिमम डिस्टेंस कम से कम हम कितनी रखें या कितनी सही है या किस टाइप से दें हम डिस्टेंस जो हैं वो एक सेप्टिक टैंक से लेकर एक बोरवेल तक या फिर कहाँ देना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। सबसे पहले डिस्टेंस रिक्वायरमेंट फॉर वेल एंड सेप्टिक टैंक, तो हम ये बात करेंगे आज सेप्टिक टैंक। चलिए मान लीजिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक फर्स्ट कंडीशन बताता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन क्या है। ये आपका एक टोटल प्लॉट एरिया है, ये आपका एक प्लॉट एरिया हो जाता है। अब ये हमारे पास एक प्लॉट एरिया हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए प्लॉट एरिया तो ये हमारे पास टोटल है लेकिन हम इसमें कम जगह में कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कम जगह में यानी कि मैं मान लेता हूँ इसमें आप एक जगह इस कॉर्नर पर करने वाले हैं, ये कॉर्नर आपका हो जाता है। अब आपके पास बाकी स्पेस बच जाता है। यहाँ पर आपने बिल्डिंग अपनी बना ली है यानी कि ये आपका कंस्ट्रक्शन या बिल्टअप एरिया हो गया, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आपके पास बहुत सारी जगह है, आप यहाँ पर इस जगह में और इस जगह में इतनी डिस्टेंस पर आप कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपका ये आ जाएगा सेप्टिक टैंक और यहाँ पर आपका आ जाएगा वेल या बोरवेल या आप कुआं वगैरह भी बनाते हैं नलकूप तो वो भी बना सकते हैं। तब ये फिर भी हमें एक डिस्टेंस जो देखना है दोनों के बीच कितनी होना चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड ये होती है हमारे पास 50 फीट की। यहाँ से यहाँ तक की जो हम दूरी ले रहे हैं ये 50 फीट रखें। 50 फीट इस कारण क्योंकि ये देखिए सेप्टिक टैंक में आप सभी जानते हैं कि सही नहीं होता, स्वच्छ नहीं होता। और यहाँ पर जो वेल है हम पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे हम यूजेस करते हैं तो जिससे बैक्टीरिया वगैरह का प्रॉब्लम ना हो और इससे दूषित पानी हो सकता है तो बीमार ना हो, इसके कारण ये मिनिमम आपकी 50 फीट डिस्टेंस बताई गई है। लेकिन आज के समय में ये चीज़ बहुत ही कम आपको मिलेगी यानी कि आपको सिर्फ 9 से 10% जगह में ही आपको इस टाइप की कंडीशन मिलेगी। बाकी आपको टाइप टू की बात करूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 90% केसेस ऐसे मिलेंगे कि आपका सब कुछ सेम है यानी कि आपका ये घर हो जाता है, यानी कि प्लॉट एरिया भी यही है, आपका कंस्ट्रक्शन एरिया भी है और जो कुछ बोले तो पूरा यही है हमारे पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तब आप क्या करेंगे, तब आप जो आपका सेप्टिक टैंक है, सेप्टिक टैंक आप कुछ इस तरह से बनाते हैं। अगर आप जैसे कि बोलते हैं कि सेप्टिक टैंक के बारे में डिटेल चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितनी यूज़र के लिए होती है और डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है, तो उसके लिए भी हम इन फ्यूचर वीडियो लेकर आएंगे। चलिए अभी ये हमारे पास हो जाता है, मान लीजिए सेप्टिक टैंक, ये हमारे पास सेप्टिक टैंक हो गया। देखिए अब ये हमारे पास टोटल प्लॉट एरिया भी हो गया है, कंस्ट्रक्शन एरिया भी है। अब हम इसमें प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर मानकर चलता हूँ कि आपकी जो प्लानिंग है आपने कुछ इस तरीके से किए हैं कि आपके यहाँ पर ये प्लानिंग हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपका किचन आ जाता है, मैं यहाँ पर एक किचन ले लेता हूँ, ये किचन हो जाता है आपका। यहाँ पर आपका एक बेडरूम हो जाता है, यहाँ पर आपका एक पोर्च आ जाता है, पोर्च आ जाता है आपका, और यहाँ पर बीच में किचन के बाद आपका ये यहाँ पर डाइनिंग का एरिया आ जाता है और ये हॉल आ जाता है। यहाँ पर आपका, यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ये WC या फिर बाथ वगैरह ये आ जाता है। कुछ इस तरीके से सामान्य प्लानिंग, अभी कोई ऐसा मैं प्लानिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, ये सामान्य तौर पर आपकी ये प्लानिंग हो जाती है। अगर मान लीजिए आपका एक 30 फीट बाय 50 फीट का प्लॉट है तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो। सबसे पहली चीज मैं सजेस्ट करूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि आप जो सेप्टिक टैंक है वो यहाँ पर लगाएं फर्स्ट। अगर आप बोरवेल लगा रहे हैं
तो सेप्टिक टैंक आप यहाँ पर रखें, सेप्टिक टैंक यहाँ पर रखें और जो आपका बोरवेल है वो इस सिचुएशन में यहाँ कहीं रखें आप। देखिए दिशा जो है आप शुभ अशुभ जो भी हैं वो आप अपने हिसाब से देख लें, बाकी यहाँ पर आपका ये बोरवेल आप रखें। अब इसके फायदे क्या हैं, बोरवेल इसके देखिए फायदे ये हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पर अगर बोरवेल रखते हैं और इन फ्यूचर ऐसा होता ही है कभी भी जो उसमें हम मोटर डालते हैं वो ख़राब हो जाती है, जल जाती है, बहुत सारी लाइन्स की तकलीफ़ आती है, तो उस सिचुएशंस में आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये पोर्च में है यानी कि बाहर के हिस्से में है, बाहर के एरिया में है। लेकिन अगर मान लीजिए सेप्टिक टैंक पीछे है तो सेप्टिक टैंक हम बहुत ही कम ऐसा होता है कि जब हमें खाली करना पड़ता है बहुत ही रेयर कंडीशन में, तो इसके कारण अगर इस पोजीशन में होती है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और डिस्टेंस की अगर बात करें हम तो हम 50 फीट हमें रखना चाहिए डिस्टेंस दोनों के बीच में, लेकिन अगर आपकी टाइप टू टाइप कंडीशन है तो आप ऐसा रख सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि दोनों को एक ही जगह ना रखें जिससे आपको दिक्कत होगी। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।